परमाणु परीक्षण कर अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र की चिंता बढ़ाने वाले उत्तर कोरिया की मदद करना कई शिपिंग कंपनियों को भारी पड़ गया। संयुक्त राष्ट्र ने इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधों के बावजूद ये कंपनियां उत्तर कोरिया के साथ कारोबार कर रही थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को उत्तर कोरिया पर अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध लगाते हुए उसके 27 जहाजों, 21 शिपिंग कंपनियों और एक व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों को ताक पर रखते हुए उसकी सहायता की और कारोबार किया। इन कारोबारियों ने उत्तर कोरिया को उस पर लगे प्रतिबंधों से बचाने का भी प्रयास किया। इसे लेकर अमेरिका ने इसी साल फरवरी में इन कारोबारियों पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र से मांग की थी। साथ ही तेल और कोयले जैसे कोरियाई माल की तस्करी पर भी चिंता जताई थी। संयुक्त राष्ट्र ने मांग को मानते हुए उत्तर कोरिया के साथ कारोबार करने वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है उनमें से 16 कंपनियां उत्तर कोरिया में हैं, जबकि 5 हांगकांग में, 2 चीन में, 2 ताइवान में हैं, जबकि 1 पनामा और 1 सिंगापुर में है। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।